नमस्कार, मैं एलके गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अरेस्ट हाउ मेड, इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 43 हमें बताती है। अक्सर करके आपने अरेस्टिंग देखी है, पता नहीं चलता है अरेस्टिंग की जा रही है अथवा अपहरण, पता नहीं चलता है पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस वाले आए हैं या कोई बदमाश आया है। किसी भी भले आदमी के घर में अचानक पुलिस घुस जाती है और जबरन उसे खींच कर ले आती है और डाल के ले जाती है। किसी घर वाले को या जिस व्यक्ति को डाल कर ले जाया जा रहा है उसको कुछ नहीं बताया जाता है, बोले चलिए थाने बताएंगे। तो ये कानून नहीं कहता है कि आप ऐसा करें, लेकिन व्यवहार में ऐसा पुलिस हमारी करती रहती है, तो ये गलत है। अरेस्ट कैसे होगा, इस संबंध में धारा 43 ये कहती है कि जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है उस व्यक्ति के शरीर को छुएगा, रोकेगा, जब तक कि वो कर्म और वचन से अपने आप को सरेंडर ना कर दे, यानी केवल टच करना है और उसे रोक देना है, बता देना है कि आप अरेस्ट हैं और व्यक्ति अपने आप को हमारे हवाले कर देता है, यानी पुलिस के हवाले कर देता है, तब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक भले आदमी के लिए इतना कहना ही काफी है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की अरेस्टिंग की जानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आपने देखा या हमारी पुलिस जो करती है ऐसा नहीं होना है, वो अवैध है, कानून के खिलाफ है। क्या पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी में महिला को छुएगा, धारा 43 उपधारा 1 का, परंतु ये कहता है जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है जब तक परिस्थितियों से विपरीत नहीं दिखता है, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर ये उम्मीद की जाएगी, किसी महिला से ये कहा गया है कि आप गिरफ्तार हैं, तो वो महिला अपने आप को सरेंडर कर देगी, और जब परिस्थितियां ऐसी दिखती हैं कि महिला ऐसा नहीं करेगी, तब जब पुलिस अधिकारी न हो तब तक किसी महिला को यानी छूना नहीं है, पुलिस अधिकारी ही उसे टच करेगी और रोकेगी। केवल मौखिक रूप से कोई पुरुष उस महिला को अरेस्ट कर सकता है अगर वो अपने आप की अरेस्टिंग करा देती है तब। इसमें दोनों बातें स्पष्ट हैं, टच करने के लिए महिला को महिला पुलिस अधिकारी की जरूरत पड़ेगी। क्या पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी में बल प्रयोग कर सकता है, धारा 43 उपधारा 2 BNSS ये कहती है ऐसा व्यक्ति अपने को गिरफ्तार किए जाने का बलात् विरोध करता है या बचने का प्रयास करता है, तब गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में ऐसे सब आवश्यक साधनों का पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं जो गिरफ्तारी के लिए जरूरी है, यानी सब साधनों में वो सख्ती से भी पेश आ सकते हैं, हथियार का उपयोग कर सकते हैं और अन्य साधन जनता का सहयोग ले सकते हैं आदि। इस तरीके से कौन से अपराधी को हथकड़ी लगा सकते हैं, धारा 43 उपधारा 3 BNSS ये कहती है पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का उपयोग कर सकता है जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है। हिरासत से ऐसा व्यक्ति निकल भागा है जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य, औसत संबंधी अपराध, हथियारों और गोला बारूद पर अवैध कब्जा किया है, हत्या, बलात्कार, एसिड हमला का अपराधी है, सिक्का और करेंसी नोट को बनाता है, फर्जी कूट रचना करता है, मानव तस्करी का अपराधी है, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करता है, राज्य के खिलाफ अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी पुलिस लगा सकती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है,
ऐसा ये प्रावधान कहता है। क्या गिरफ्तारी में गोली मारने का अधिकार है? धारा 43 उपधारा 4 BNSS ये कहती है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है तो मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है और भागने का प्रयास करता है, बलात् विरोध करता है, तो उसमें उस पर गोली भी चलाई जा सकती है, अन्य किसी पर गोली नहीं चलाई जा सकती है। जैसे अक्सर करके देखा है छोटे मोटे अपराधों में भी अभियुक्तों पर पैरों में गोली मारने का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या महिला रात में गिरफ्तार की जा सकती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 43 उपधारा 5 के अनुसार असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को शाम होने यानी सूर्य ढक जाने के और सूर्य उदय होने से पहले यानी रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं कोई महिला रात और रात भाग सकती है, पकड़ नहीं हो सकती है, बड़ी मुश्किल से हाथ आई है, तब वहां पुलिस अधिकारी उन असाधारण परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करके उस महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी का न्यायिक अधिकारी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या कोई गिरफ्तारी की जानी है, तब ऐसे अधिकारी के आदेश पर ही किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरीके से मैंने आपके सामने गिरफ्तारी की प्रोसीजर यानी तरीका को, जिस तरीके से गिरफ्तारी की जानी है उसे रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें, और अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज लीगल राइट एंड प्रोसीजर को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए आप के संबंध में आपके लिए www.lkgautam.com मैंने वेबसाइट तैयार कराई है, उसे भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।